हेलो नमस्कार, वेलकम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई अनिल सर में। डियर स्टूडेंट्स, आज जो अपन बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है और इसके अंदर अपन आज संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे घग्गर नदी की। बहुत इंपॉर्टेंट नदी है और आंतरिक प्रणाली की राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, तो चलते हैं आज घग्गर नदी के डायग्राम को इस तरीके से अपन डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिएगा बच्चे, यहाँ पर ये घग्गर नदी अपन पढ़ने जा रहे हैं, घग्गर नदी। तो देखिएगा, देखो अगर मैं बात करता हूं तो ये अपना पूरा का पूरा ये राजस्थान, और राजस्थान की अगर मैं बात करता हूं तो राजस्थान का नॉर्थ वाला पार्ट है। इसके अंदर अपन अगर बात करें तो ये अपना हनुमानगढ़ और ये हो जाएगा अपना गंगानगर। तो देखिएगा यहां पर गाइस, ध्यान से सुनेगा, घग्गर नदी का जो उद्गम होता है वो उद्गम जो होगा वो घग्गर नदी का वो कहां से होगा? तो यहां पर कालका माता की पहाड़ी है। किससे? कालका माता की पहाड़ी, माता की पहाड़ी, और या फिर अपन कह सकते हैं शिवालिक की पहाड़ी, शिवालिक की पहाड़ी हिमाचल प्रदेश, यहां से एक नदी का उद्गम होगा। ये नदी इस प्रकार से उद्गमित होती है और उद्गम होते होते ये नदी इस प्रकार से राजस्थान के बॉर्डर पर जाती है। देखो यहां पर अगर इस नदी की बात करता हूं तो ये कौन सी नदी है? ये तो घग्गर नदी है। घग्गर नदी राजस्थान में प्रवेश एक स्थान है, कौन सा? टिब्बी गांव। कौन सा स्थान है बच्चे? टिब्बी गांव है, और टिब्बी गांव जो है वो तलवाड़ा तहसील में है। तलवाड़ा तहसील में, कौन सी तहसील में बच्चे? टिब्बी गांव है तलवाड़ा तहसील में, तलवाड़ा तहसील में। तो देखिएगा यहां पर टिब्बी गांव, तलवाड़ा तहसील, हनुमानगढ़। ठीक है, यहां से नदी आती है, राजस्थान में प्रवेश करती है और राजस्थान में भूमि के अंदर विलुप्त होगी। कहां पर? एक स्थान है भटनेर। कौन से स्थान है बच्चे? भटनेर नामक स्थान पर यह नदी भूमि के अंदर चली जाती है। अब यह नदी भूमि के अंदर बह रही है, यानी कि यहां से नदी आंतरिक प्रणाली की बन जाएगी। क्या बन जाएगी? आंतरिक प्रणाली की नदी बन जाएगी, और यह नदी पहुंच जाती है कहां पर? पाकिस्तान। ये नदी कहां पहुंच जाएगी बच्चे? पाकिस्तान पहुंच जाएगी, और पाकिस्तान तक इस प्रकार से। तो देखिएगा ध्यान से सुनेगा, यहां पर भूमि के अंदर ये नदी विलुप्त हो जाती है, इसलिए इस नदी को राजस्थान के अंदर इस नदी को मृत या नट नदी के नाम से इसको जानते हैं। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। ठीक है, इसके बाद में इस जो घग्गर नदी है, ये घग्गर नदी भूमि में विलुप्त हो जाती है। अब आपको यह समझ में आ रहा होगा कि सर ये आंतरिक प्रणाली की नदी क्या होती है। तो ध्यान से सुनेगा, ऐसी नदियां या फिर वे नदियां जिनका उद्गम तो निश्चित है लेकिन समापन निश्चित नहीं है। भाई भूमि के अंदर चली जाती है तो फिर पता ही नहीं कहां पर इसका समापन होता है। तो ऐसी नदियां जिनका उद्गम तो निश्चित है लेकिन समापन निश्चित नहीं है, तो उन नदियों को अपन क्या कहेंगे? आंतरिक प्रणाली की नदियां। और पहली नदी अपन कौन सी पढ़ने जा रहे हैं? घग्गर नदी। तो भूमि के अंदर विलुप्त हो गई इसलिए इसको यहां पर मृत या नट नदी के नाम से जानते हैं। और राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर जो घग्गर नदी है, राजस्थान में जो घग्गर नदी है, घग्गर नदी का जो बेसिन है, कौन सा? क्या बच्चे? बेसिन है। इस बेसिन को क्या कहते हैं? इसको अपन क्या कहेंगे बच्चे? इसको नाली, या फिर इसी को क्या कहेंगे? पाट कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चे? नाली, या इसको पाट कहेंगे। ठीक है, अब देखो आप सभी को पता होगा कि घग्गर नदी के बेसिन को राजस्थान में नाली कहते हैं, इसलिए हनुमानगढ़ में एक भेड़ की नस्ल का नाम भी क्या रखा गया? नाली। तो अपन ध्यान से सुनेगा, नाली एक भेड़ की नस्ल है, एक भेड़ की नस्ल है जो कहां मिलती है? हनुमानगढ़ में। ठीक है बच्चे, इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो पाकिस्तान के अंदर, कहां पर बच्चे? पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान के अंदर जो घग्गर नदी है, घग्गर का जो बेसिन है, इस बेसिन को क्या कहा जाएगा? हकरा कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा बच्चे? हकरा कहा जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है बच्चे। ठीक है, इसके बाद अपन को और कौन कौन सी चीजें यहां पर ध्यान रखनी है? देखो कभी कभी क्या होता है कि यहां से पानी की आवक ज्यादा होगी, और पानी की आवक ज्यादा होगी तो ये भूमि के ऊपर से इस प्रकार से बहना स्टार्ट करेगी। अब ये नदी गंगानगर में के अंदर भी स्थल भाग पर बह रही है, और सामान्यतः ये नदी
हनुमानगढ़ के अंदर ही इस स्थल भाग पर बहती है। गंगानगर के अंदर तो भूमि के अंदर से बहती है, लेकिन जब बाढ़ की समस्या होती है, ज्यादा पानी आता है, तो भूमि की ऊपरी सतह में बहती है गंगानगर में। तो इस जगह पर, ये भटनेर नामक इस जगह पर, इस जगह की बात कर रहा हूं, इस जगह पर बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है। किसकी समस्या? बाढ़ की समस्या। इसलिए इस नदी को राजस्थान का शोक कहते हैं। क्या कहते हैं इस नदी को? राजस्थान का शोक कहते हैं। तो यह भी बात आपको ध्यान रखना है। ये जो नदी है घग्गर नदी, वो राजस्थान की सबसे बड़ी आंतरिक प्रणाली की नदी है। यह भी आपको ध्यान रखना है, सबसे बड़ी आंतरिक प्रणाली की नदी। लगभग 465 किलोमीटर इसकी लंबाई मानी गई है। ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है भाई। अब देखो, राजस्थान के अंदर जो घग्गर का बेसिन है, राजस्थान में जो घग्गर बेसिन है, इस घग्गर बेसिन में एक मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? काली काटी मिट्टी। कौन सी मिट्टी बचे? काली काटी मिट्टी यहां पर मिलेगी आपको। और इस काली काटी मिट्टी से क्या बनाई जाती है? ईंट बनाई जाती है। इसलिए इस मिट्टी को एक संज्ञा दी गई अपन ने, और इस मिट्टी को क्या कहेंगे? ब्रिक अर्थ के नाम से जानेंगे। किस नाम से? ब्रिक अर्थ के नाम से इसको अपन जानेंगे भाई। ये आपको ध्यान रखना है भाई। ठीक है, अब देखिएगा, ये जो घग्गर नदी है, इस घग्गर नदी की अगर अपन बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता जो काशी युगीन सभ्यता है, उसके कुछ स्थल घग्गर नदी के किनारे पाए गए। जैसे एक कालीबंगा है, एक स्थल हनुमानगढ़ में कालीबंगा, जिसको अपन क्या पढ़ते हैं बच्चों? कालीबंगा सभ्यता के नाम से पढ़ते हैं, सभ्यता। इसके बाद में दूसरा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का यहां पर कौन सा मिला? तो वो मिला पीलीबंगा सभ्यता। और तीसरा कौन सा मिलेगा? तो पीलीबंगा हो गया, कालीबंगा हो गया, और रंगमहल। ये तीन स्थल यहां पर देखने को मिले इस नदी के ऊपर। ठीक है भाई, इसके बाद में इस नदी के किनारे एक प्राचीनतम पशु मेला भी भरता है, जिसको अपन कहते हैं गोगा मेड़ी पशु मेला। कौन सा बताए बच्चे? गोगा मेड़ी पशु मेला। तो यहां पर गोगा मेड़ी पशु मेला भी भरता है। तो यहां पर लिख देता हूं हनुमानगढ़ के अंदर एरो बनाकर कि यहां पर गोगा मेड़ी पशु मेला भी यहां पर लगता है। तो यह भी एक प्राचीनतम पशु मेला है, गोगा मेड़ी पशु मेला यहां पर लगता है। और हनुमानगढ़ की बात करें तो यहां पर भद्रकाली माता का मंदिर हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे स्थित है भाई। और घग्गर नदी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी, राजस्थान का शोक, और राजस्थान की एकमात्र ऐसी आंतरिक प्रणाली की नदी है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को क्या करती है? पार करती है। और बाकी कोई सी नदी ऐसी नहीं है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करती है। ठीक है, तो ये राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को भी पार करती है। तो ध्यान से सुनेगा बच्चों, इस तरीके से आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। और अगर ये आपने समझ लिया होगा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो इसी तरीके से। हाँ, अब देखो, इसके कभी कभी अपन को इसका पूछा जाता है कि इसका विस्तार बताओ भाई, घग्गर का विस्तार आपसे पूछा जा सकता है। तो घग्गर का विस्तार आपको किस तरीके से बताना है, ध्यान से सुनेगा भाई। घग्गर का विस्तार अगर आपसे पूछे तो आप कैसे बताओगे, ध्यान से सुनेगा। अगर एक जिले में घग्गर का विस्तार पूछे तो आप हनुमानगढ़ बता देना, हनुमानगढ़। दो जिले में पूछेगा तो हनुमानगढ़ प्लस गंगानगर बता देना। तीन जिले में पूछे तो हनुमानगढ़ प्लस गंगानगर प्लस बीकानेर। देखो, ये कहा जाता है तीन तीन जिले के जोड़े अगर आपको दे देना, ये नहीं देगा, न के बराबर देगा, 99% तो नहीं देगा, लेकिन 1% अगर एग्जामिनर दे दे तो बीकानेर को सम्मिलित करना है। क्योंकि प्राचीन जो अपन ऐतिहासिक कथाएं पढ़ते हैं तो घग्गर नदी के बारे में पढ़ते हैं कि घग्गर नदी प्राचीनतम समय में बीकानेर की सीमा को छूती हुई निकलती थी। तो ये आपको ध्यान रखना है भी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये पूरा डायग्राम आपको देख लीजिएगा और इसको अपन इस तरीके से लिखेंगे भाई। तो आप सभी एक बार इसको बना लीजिएगा। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।